हेलो पिला माने मधुआपर ज्यामिति शिक्षादान कार्यक्रम को तुम्हानक स्वागत। पूर्व तुम्हें चतुर्भुज अंकन कर चतुर्भुज अंकन बाबद को विभिन्न कौशल शिखिच। आस आज आम चतुर्भुज अंकन अगर किसी कौशल शिखा वो किसी प्रकार चतुर्भुज को अंकन कर देखा। तेरे आज आम कौन शिखा आज आम चतुर्भुजर चारोटी बाहुर दैर्घ्य और गोटे कर्णर दैर्घ्य दत्त किपरी चतुर्भुजटी अंकन हुए से सम्बन्धी केतक प्रश्नर समाधान करवा। तेबे यही प्रश्नगुड़िकर समाधान करिया पूर्वरु पूर्व कथा किसी मन पकईदे आगुरु आम कौन शिखी लक्ष्य कर पूर्वरु आम शिखी ए बी सी डी चतुर्भुज जार चारोटी बाहुर दैर्घ्य दत्त अच्छी जमीती ए बी बाहुर दैर्घ्य ए एकक बी सी बाहुर दैर्घ्य बी एकक सी डी बाहुर दैर्घ्य सी एकक ए डी बाहुर दैर्घ्य डी एकक कर्ण बी डी कर्णर दैर्घ्य इ एकक यही चतुर्भुजटी को आम अंकन करवा शिखी केमी अंकन करवा शिखी तार स्टेप्स सोपान गुड़ी आस टे देखने लक्ष्य कर यू सोपान गुड़िक लिखा जामें आगु जाने बर्तमान आम देखा केमी अंकन होता प्रथम आम एक्स रश्मि नौले ताऊपर आम एकक विशिष्ट ए बी काटि नौले ए बिंदुरे कंपास मुन को रखिक डी एकक विशिष्ट चाप नहीं तापर बी बिंदुरे कंपास मुन रखिक इ एकक विशिष्ट गोटे चाप नौले आम जो बिंदुटी पाई से बिंदुर नाम था डी तापर आम ए डी ओ बी डी को जोग करते बर्तमान आम डी ए बी त्रिभुज पाइले आम कौन करते बी बिंदुरे कंपास मुन रखिक इ एकक विशिष्ट एक चाप नहीं थे डी बिंदुरे कंपास मुन को रखि सी एकक विशिष्ट चाप नहीं आम सी बिंदु पाई डी सी ए बी सी को जोग करते भाव में आम ए बी सी डी चतुर्भुज पाई एवं सी रो अन्य एक अवस्थान सी डैश पाई मन पकाओ बी बिंदुरे कंपास मुन को रखि बी एकक विशिष्ट अन्य एक जदि आम चाप अंकन करमती हे एवं डी बिंदुरे कंपास मुन रखि सी एकक विशिष्ट चाप अंकन कले आम एमती सी डैश बिंदु पाते एठार जो चतुर्भुजटी आम सृष्टि ए बी सी डैश डी यह आम आवश्यक चतुर्भुज होता जहाँकि एक उत्तल चतुर्भुज नाला। यही कौशल को प्रयोग कर आस केतक प्रश्नर समाधान करिया। प्रथम प्रश्नटी है एक रम्बस अंकन कर जार एक बाहुर दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर और एक कर्णर दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर। तुम्हें मैंने जानी गोटे चतुर्भुज में अति कम्रे पांचटी जिनस दत्त थे आम से चतुर्भुजटी को अंकन कर देख एठार आमको मात्र दुईट जिनस दत्त अच्छी गोटे बाहुर दैर्घ्य और गोटे कर्णर दैर्घ्य तेज कहल केमी या अंकन करवा हाँ गोटे जिनस लक्ष्य कर एठार गोटे रम्बस अच्छी जार बाहुर दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर आम जाचे गोटे रम्बस चारोटी जाक बाहुर दैर्घ्य सामान तेणु आमको गोटे बाहू नुहे बरम चारोटी जाक बाहुर दैर्घ्य दत्त अच्छी एठार कर्ण दैर्घ्य दत्त अच्छी तेणु टोटाल आमको पांचटी तथ्य दत्त रहा तेणु यह आम रम्बस टी अंकन कर तेब गोटे रफ चित्र अंकन करवा यह हूँ आमर ए बी सी डी रम्बस ए बी सी डी रम्बस रिडी हूँ एक कर्ण तेज दत्त जहाँ अच्छी आम को ताकि लक्ष्य कले आम जाणी सब बाहूगुड़ 6 सेंटीमीटर एवं बीडी कर्णर दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर। तबे आस अंकन करवा अंकन करवा आम साधारणत तो बीडी कर्णरु अंकन आरंभ कले आमको सुविधा हबो तो आम प्रथम स्केल नवा स्केल रे आम बीडी कर्ण 8 सेंटीमीटर नहीं जावा यहाँ आम बी एक्स रश्मि ने रश्मि ऊपर आम बी डी कर्ण दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर काटि नवा कंपास मुन को शून्य पाखे रखा एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ बर्तमान कंपास मुन और पेनसिल मुन मध्य दूरता है 8 सेंटीमीटर कंपास मुन को आम बी बिंदु रखि एक चाप अंकन करवा आम पाइले डी बिंदु आउ बी डी दैर्घ्य है 8 सेंटीमीटर बी डी कर्ण आमको मिलगला
ए बिंदु एवं सी बिंदु मिलीगले आम ए बी सी डी रम्बस पाई जा ए बिंदु सी बिंदु किपर पाइबा प्रथम ए बिंदु पाइबा को गले बी बिंदु रे कंपास बुंद रखिक एक 6 सेंटीमीटर रो चाप अंकन करिया पड़िबो ठीक सही परी डी बिंदु रे कंपास बुंद को रखिक आउ एक चाप से समान 6 सेंटीमीटर अंकन करिया पड़िबो से माने परस्पर को ए बिंदु रे छेद करिवे लक्ष्य करो एठारे आमे 6 सेंटीमीटर गोटे चाप नबा एक दुई तीन चार पाँच छ तो वर्तमान बी बिंदु रे कंपास बुन को रखी आम एक चाप अंकन कले वर्तमान डी बिंदु रे कंपास बुन को रखिक आउ एक चाप अंकन कले ये जो बिंदुटी आमको मिलला ये बिंदु होची आमर ए बिंदु बर्तमान आम ए बी ओ ए डी को जोग करिया तापर आम ए डी को जोग करिया बर्तमान आमको ए बी डी त्रिभुज मिलगला बर्तमान आमको सी बिंदु दरकार सी बिंदु पाया को हेले आमको ठीक ए बिंदु परी आमको 6 सेंटीमीटर विशिष्ट दुईट चाप नहीं कि छेद करिया को पड़िबो बर्तमान आमे 6 सेंटीमीटर विशिष्ट आ दुईट चाप नबा बर्तमान 6 सेंटीमीटर विशिष्ट चाप नले कंपास बुन को बी बिंदु रखी आम चाप नले पुणी कंपास बुन को डी बिंदु रखी आम आउ एक चाप नले माने परस्पर को जो बिंदु छेद कले आम सी बिंदु नामकरण करवा बर्तमान रोलर साहय स्केल साहय बी सी को जोग करिया एवं डी सी को मध्य जोग करिया ठीक से पूरी आम सी डी को जोग करिया बर्तमान आमको ए बी सी डी आवश्यक रम्बस मिलला लिखिद अतएव ए बी सी डी आवश्यक रम्बस आस पिला माने अन्य एक प्रश्नर समाधान करिया द्वितीय प्रश्नटी हेउची ए बी सी डी सामांतरिक चित्र अंकन कर जहार ए बी 6.5 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर एवं ए सी 6 सेंटीमीटर आस रफ चित्रटी अंकन करिया यह हेउची ए बी सी डी सामांतरिक चित्र दत गुड़ी लिखि ना ए बी दैर्घ्य 6.5 सेंटीमीटर तो यह हूँ 6.5 सेंटीमीटर बी सी दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लिखि ना तापर ए सी कर्णर दैर्घ्य हूँ 6 सेंटीमीटर आम ए सी कर्ण अंकन करदे 6 सेंटीमीटर एठार लक्ष्य कर दत्तरे आमको तीनोटी तथ्य दीचे किंतु परोक्ष भाव आमको जो पांचटी तथ्य दरकार गोटे चतुर्भुज अंकन करने दत्त अच्छे केमी ना तुम जाच गोटे सामांतरिक चित्रर विपरीत बाहूगुड़िक परस्पर सर्वसम तेज एठार ए बी बाहूर विपरीत बाहू सी डी बाहूर दैर्घ्य 6.5 सेंटीमीटर हम ठीक से हीपरी बी सी बाहूर विपरीत बाहूर दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर हम आस अंकन टी आरंभ करिया प्रथम आम बी सी 8 सेंटीमीटर नवा
ହେଉଛି ବିଏକ୍ସ ରଶ୍ମି। ଏହା ଉପରୁ ଆମେ 8 cm କାଟି ନେବା। 8 cm କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ପାସ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କମ୍ପାସ୍ ମୁନକୁ ଶୂନ ପାଖରେ ରଖି ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନକୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ପାଖକୁ ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାସ୍ ମୁନ ଆଉ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ହେଉଛି 8 cm। ଆମେ ଏକ ଚାପ ନେବା। ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଆମର ସି ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବି ବିନ୍ଦୁରୁ 6.5 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ 6 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସ 6.5 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ନେବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲେ ପୁଣି ଆମେ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ 6 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ପୁଣି 6 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ନେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ ଦ୍ୱୟର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ମିଳିଲା ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଏ ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବି ଓ ଏସିକୁ ରୁଲର ବା ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଗଲା। ଆମକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁଟି ମିଳିଗଲେ ଆମେ ଏ ବି ସିଡ଼ି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ପାଇଯିବା। ତେବେ ଡି ବିନ୍ଦୁ କିପରି ପାଇବା? ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ 8 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କମ୍ପାସ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 8 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ନେବା। କମ୍ପାସ୍ ମୁନକୁ ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାପରେ ଆମକୁ 6.5 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମୁନକୁ ରଖି ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା ପୂର୍ବ ଚାପକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏ ଡି ଏବଂ ସି ଡିକୁ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏ ଡିକୁ ଯୋଗ କଲେ ପୁନଶ୍ଚ ସି ଡିକୁ ଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଯାହାର ବି ସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 cm, ଏ ବି 6.5 cm, ଏ ସି 6 cm, ସି ଡି 6.5 cm ଏବଂ ଏ ଡି 8 cm। ଅତଏବ ଏ ବି ସି ଡି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଚାରି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଶିଖିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।